ओके सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरा नाम अब्दुल रहीम है और आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ ना, आप लोग यकीन माने मेरा ये इस प्लेलिस्ट का सबसे क्रूशल टॉपिक है। मैं समझता हूँ ना, इस प्लेलिस्ट में अगर कोई सबसे नंबर वन पे मैं किसी टॉपिक को समझने के लिए ज़रूरी समझता हूँ तो वो ये वाला टॉपिक है। ठीक है, द रीज़न इज कि ये जो है ना, अगर आप जिस वक्त आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे या आप रिसर्च पेपर में कोई रिसर्च पेपर्स वगैरह रीड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये जो पी वैल्यू आज मैं एग्जैक्टली पढ़ाने वाला हूँ, ये जो पी वैल्यू है ना, ये आपको हर जगह पे मिलेगी। ठीक है, पी वैल्यू जो है ना, पी वैल्यू दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस प्लेलिस्ट। ओके सो आज हम ये स्टार्ट करेंगे और मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे तरीके से टॉपिक समझाऊं, क्योंकि इस टॉपिक का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने मेरी वीडियो को बहुत गौर से देखना है, नहीं समझ आती दोबारा देखना है, इंटरनेट पे भी सर्च करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस वीडियो पे। तो आपके सामने जैसे स्क्रीन पे आ गए पी वैल्यूज। ठीक है, सबसे ओके तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। आज की वीडियो का लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि व्हाट इज पी वैल्यू, हाउ टू इंटरप्रेट इट, व्हाई टेक 5% एज अ थ्रेशोल्ड। ओके, ये हम चीजें देखेंगे, लेकिन पहले इसको समझते हैं होता क्या है। सपोज हमारे पास दो ड्रग्स हैं, सी एंड डी। ठीक है, अब हमारे पास ड्रग में दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या दवाई खाने से बंदा का इलाज हो जाएगा या इलाज नहीं होगा। ठीक है, या होगा या नहीं होगा। तो सी डी में भी हमारे पास दो ही केसेस हैं। ठीक है, अब हमने मतलब इस तरह रैंडमली चेक किए तो हमने सी ड्रग कुछ लोगों को खिलाई तो उसमें से 73 जो है सेहत याब हो गए, 125 पे कोई असर नहीं पड़ा। बी में 59 सेहत याब हो गए और 131 पर कोई असर नहीं पड़ा। तो अगर आप इस केस में देखें तो जो मतलब जो इफेक्टिव रेट है वो सी का बेहतर है, उसमें 37% लोगों पे अच्छा असर आ रहा है एज कम्पेयर टू डी के। तो इस केस में तो हमें क्लियरली सी नजर आ रहा है कि ये विनर है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इट मे बी अ रैंडम चांस। देखें, रैंडम चांस भी हो सकता है, उसकी रीजन क्या है। रीजन ये क्या हो सकता है, जो सी के जो लोग थे वो उसमें ज्यादातर यंग लोगों का सैंपल हो, ठीक है, और डी में थोड़े एज जिनकी ज्यादा उनका सैंपल हो। मतलब जहरी बात है ना, यंग बंदा थोड़ा जल्दी रिकवर करता है। हाँ, बाद लोग अगर एज ज्यादा है, वो एक्सरसाइज है, उनकी फिटनेस अच्छी है तो बात और है। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि डी में जो है वो लोग थे जो एक्सरसाइज नहीं करते। ठीक है, तो सी एंड डी में मतलब अगर सी जीत गए तो ये रैंडम चांस भी हो सकता है। तो हम कैसे लाइक श्योर करें कि हम सी अच्छा है या डी अच्छा है, या इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें डिफरेंस है तो हमें इस पे पक्का कैसे यकीन आएगा। तो उसका जवाब हमें पी वैल्यू देता है कि आया ये डिफरेंट है या ये डिफरेंट नहीं है। पी वैल्यू आपको बताएगा कि ये डिफरेंट है या नहीं है। ठीक है, ओके सो हम अभी इसको समझते हैं, लेकिन ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। पी वैल्यूज आर नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 डेट विल क्वान्टिफाई हाउ कॉन्फिडेंट वी शुड बी डेट ड्रग सी इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रग डी। अगर आपको ये 0 और 1 के चक्कर अभी नहीं समझ आ रहा तो इस परेशान ना हो। और पी वैल्यू जो बेसिकली ये मैं भी आपको सारी चीज समझाता हूँ, ये कि पी वैल्यू होनी कितनी चाहिए और ये 0.05 क्यों होती है, ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे बहुत गौर से देखना है, अच्छे स्लाइड को बहुत गौर से सुनिए मेरी बातें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज पी वैल्यू 0.9। ठीक है, 0.9 का क्या मतलब है, 0.9 का मतलब ये है कि पी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.9। तो इस 0.9 का ये मतलब है कि सपोज मैंने 100 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, कितने 100 एक्सपेरिमेंट्स, उन 100 में से 90 एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं अगर देखना तो चाहिए, क्योंकि ये उस वीडियो को समझने के लिए वो देखना लाजमी है। ठीक है, तो मैं ऐसे आपको रिकैप करवा देता हूँ कि नल हाइपोथेसिस क्या कहता है, किसी में कोई फर्क नहीं है, मतलब गधे घोड़े सब बराबर हैं, दे आर ऑल इक्वल, नल हाइपोथेसिस ये कहते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं नहीं, इसमें सी ओ डी में डिफरेंस है, यानी नल हाइपोथेसिस कहते हैं कि सी ओ डी ड्रग में कोई डिफरेंस नहीं है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं कि हाँ दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये एक फर्क है। तो जब पी वैल्यू 0.9 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, 0.9 देखिए मैथ्स में आप जानते हैं ना 100% होते हैं, 0.9 कितना हो गया 90%, यानी कि इसका मतलब ये कि सपोज हमने 100 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए उसमें से 90 कहता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। 90 कह रहे हैं, 0.9 का मतलब ये कि हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
और 90 मरतबा ये बात आई कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या हम उसको फेल टू रिजेक्ट कह रहे हैं, फेल टू रिजेक्ट यानी कि ट्रू मान रहे हैं यानी कि हम उसे रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस यहाँ पे 90% ट्रू आ रहा है, यानी कि अब नल हाइपोथेसिस, अब मिसाल तौर पे यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर ये नल हाइपोथेसिस हो सकता है कि सी और डी में कोई फर्क नहीं है। तो 0.9 जब हमारे पास नल वैल्यू आ गई तो इसका मतलब है कि हमने वो जो हमने तकरीबन 180 175 लोगों पे जो पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इस तरह के हम 100 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर और उसमें 90 मरतबा ये बात आ जाए कि भाई इसमें और सी और डी में तो कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि 0.9 का मतलब है कि 90 मरतबा कि नल हाइपोथेसिस को डिफेंड कर रहा है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब 90% डिफेंड कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ। खैर चलें अब हम आगे जाते हैं, थोड़ा और एग्जांपल्स को देखते हैं। पी वैल्यू अगर हमारे पास 0.04 हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने 100 मरतबा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसमें आप देख सकते हैं कि 100 में से 4 मरतबा ऐसा आ रहा है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो रहा है, सिर्फ 4 मरतबा। और अगर हम पी वैल्यू 0.5 करें यानी 50%, उसका मतलब 100 में से 50 मरतबा नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू आ रहा है या फेल टू रिजेक्ट हो रहा है, हम इसे रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस बातों का अब इस दोबारा इसी स्लाइड को देखते हैं। इसमें देखें 100 में से अगर 90 मरतबा कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो इसका क्या मतलब है कि 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आए जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ट्रू बता रहे हैं। 0.04 अगर हमारे पास पी वैल्यू है तो इसका ये मतलब है कि 100 में से 4 सिर्फ नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि 96 जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को। पी वैल्यू हमें ये बताता है कि बेसिकली आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो कितना परसेंट, मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए उसमें कितनी परसेंटेज इसके ट्रू रहा है, ठीक है। बेसिकली पी वैल्यू आपको ये बताता है। अब सपोज अब ये जो थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सपोज आई परफॉर्म 100 एक्सपेरिमेंट, आउट ऑफ 50 अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो यहाँ पे 50 अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होंगे, ठीक है। ये ऐसे आपको समझाने के लिए। अब इसी को अब थोड़ा सा गौर से देखें यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा गौर से देखें। इसे मैंने ऊपर नीचे किया, कोई ऐसा फर्क नहीं है यहाँ पे। जब हमारे पास पी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, अब यहाँ पे पी वैल्यू बड़ी है ना, सबसे बड़ी है 9 है, तो ये 1 के करीब है ना, और ये देखिए ये 0 के करीब है और ये 1 के करीब है। तो जब ये लाइन 1 के करीब होगी तो हम कहेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो नल हाइपोथेसिस की तरफ वो सही बता रहा है कि नल हाइपोथेसिस सही है। और जब ये 0.04 यानी 100 में सिर्फ 4 मरतबा नल हाइपोथेसिस ट्रू आया और 96 मरतबा अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू आया तो देखें डिफरेंट। एच ए बेसिकली कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को और एच ओ कहते हैं नल हाइपोथेसिस को। तो जब 1 के करीब आएगा तो नॉट डिफरेंस नल हाइपोथेसिस कहता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो नल हाइपोथेसिस को ट्रू ज्यादा कर रहा है। और जब हमारे पास 0 के करीब होगा तो वो क्या कह रहा है कि हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि हमें पता चले कि अगर इससे ज्यादा हो जाए, मतलब नल हाइपोथेसिस इससे ज्यादा हो जाए तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होगा, या अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस इससे ज्यादा हो जाए तो ट्रू होगा। इस बात का मैं आपको, अगर मेरा जुमला नहीं समझ आ रहा तो मैं भी आपको समझाता हूँ। यानी कि अब मैं आपको एग्जाम देता हूँ, आप एग्जाम देते हैं, पेपर में बैठते हैं, ठीक है। पेपर में क्या होता है, पासिंग क्राइटेरिया 50% है कि भाई अगर एक बंदे ने 50% या उससे ज्यादा दिए तो वो पास तसव्वुर होगा, अगर एक बंदे ने 50% से कम दिए तो वो फेल तसव्वुर होगा। यानी कि ये तो हमारे एग्जाम का है ना। इसी तरह नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए भी कोई एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट होना चाहिए। जिस तरह एग्जाम का थ्रेशहोल्ड पॉइंट 0.5 है ना पासिंग क्राइटेरिया, इसी तरह नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए भी कोई हमारे पास पासिंग क्राइटेरिया कह लें या थ्रेशहोल्ड कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है, वो होना चाहिए। तो अगर आप यहां पे देखें एग्जाम का तो ये हो गया। अब नल हाइपोथेसिस का हमने रखा है 0.05, ये बड़ी हमने वैसे ज्यादती नहीं की। अगर आप सोचें मतलब एक बंदे को तो पास 51 मार्क्स पे होना चाहिए, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए उसको 95 दफा करेक्ट रिजल्ट देना पड़ेगा, या फिर ये कि नल हाइपोथेसिस सिर्फ, मतलब इसको यहाँ पे आप इस तरह समझ लेना जिस तरह मैं आपको वापस प्रीवियस स्लाइड में लेके जाता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जब 0.9 लिखा होता था ना तो इसका क्या मतलब था, इसका मतलब ये था कि 90 एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है,
तो फिर कितने परसेंट बच गए, 10%। 10% क्या है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू। अब 0.04 पे जाएं, 0.04 क्या बता रहा है, 0.04 ये बता रहा है कि सिर्फ 4 एक्सपेरिमेंट्स क्या है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है और 96 क्या है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस कितना स्ट्रांग आ गया, ठीक है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है दो इससे पहले, तो आपको ये बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस मतलब अब यहाँ पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस 96 दफा करेक्ट है। अब हम वापस जाते हैं, तो हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया ये बताया कि जब तक अल्टरनेट हाइपोथेसिस 95% से ज्यादा मार्क्स नहीं लेगा तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब ये बहुत मुश्किल हो गया ना अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए, ये तो लाइक बड़ी ज्यादती हो रही है अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए कि उसको इतना करेक्ट होना पड़ेगा। अब हमने इतना सख्त क्राइटेरिया रखा हुआ क्यों है, थोड़ा ये सोचने की बात है ना। हमने सख्त क्राइटेरिया इसलिए रखा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। आजकल हमारा 2022 में हम ये मान के चलते हैं कि देखिए हम कहते हैं कि अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। और हम कहते हैं सन अपनी जगह, मतलब अपनी जगह पे रिवॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहा हो, मतलब ये है कि सन इज द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये तो एक फैक्ट हो गया, ठीक है। अब ये एक फैक्ट है तो हम इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब एक बंदा उठ के कहता है कि भाई ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ कि अर्थ जो है वो स्टैटिक है और सन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। मतलब अर्थ क्या है, स्टैटिक है, हालांकि अर्थ स्टैटिक नहीं है। हमारा नल हाइपोथेसिस ये है कि अर्थ स्टैटिक नहीं है, अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ठीक है। जबकि हम अब यहाँ इस एग्जाम्पल में अब हमारा नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नल हाइपोथेसिस ये हो गया कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। लेकिन अब एक बंदा आके अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये लेकर आता है कि भाई नहीं, सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सच बोल रहे झूठ बोल रहे, ये होगा कि हम 100 मरतबा सपोज सेटेलाइट लेके जा रहे हैं और उसमें से उसकी बात 96 मरतबा करेक्ट हो जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये बंदा सच बोल रहे। यानी कि जो प्रीवियस एस्टेब्लिश फैक्ट है उसको रिजेक्ट करवाने के लिए आपको नल हाइपोथेसिस जो है उसको उसको रिजेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत स्ट्रांग सबूत होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 100 में 40 जो है वो रिजल्ट उसके अगेंस्ट आ रहे नल हाइपोथेसिस के तो हम उसको रिजेक्ट कर दें। नहीं, जब तक आप नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट 95% से ज्यादा कोई मतलब ऐसा न्यू हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे हैं जो पुराने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने वाला है, तो उसके लिए आपको बहुत स्ट्रांग दलाइल चाहिए। इस वजह से इन्होंने ये जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो 0.05 रखा है। अगर अब भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिक्र ना करें, ये हम आगे और एग्जांपल देखने वाले हैं कि ये कैसे यहाँ पे सॉल्व होगा, ठीक है। ये भी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आने वाली, ठीक है। अब आपके पास सपोज 100 एक्सपेरिमेंट्स या 100 आपने रिजल्ट किए, उसमें से 95 मरतबा आपके पास एक ही मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस वाले रिजल्ट बार बार आ रहा है, वो 95 मरतबा सपोज आ गए और 5 मरतबा उससे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है कि आपका जो थ्रेशोल्ड मतलब आपकी जो पी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 0.05, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मेरा ख्याल जब हम 0.01 करते तो हमारे पास यहाँ पर पी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक की है। अब आपका काम या आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि यहाँ पर मेरे पास नल हाइपोथेसिस के कितने वैल्यू आनी चाहिए। अगर हमारे पास यानी आप ये लिखें कि अगर हमारे पास पी वैल्यू 0.01 होगी तो हमारे पास नल हाइपोथेसिस कितने और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कितने, ठीक है। ये आपने आप देखना है कि मैंने स्लाइड में क्या गलती की, ताकि आप पता चले कि आप वीडियोस देख रहे हैं या बस ऐसे बस स्किप 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 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सही है, अब हमारे पास अगर 0.1 हो पी वैल्यू तब हमारे इसका क्या मतलब है कि हमारे तब अल्टरनेट हाइपोथेसिस के कितने करेक्ट आ रहे हैं और नल हाइपोथेसिस के कितने करेक्ट आ रहे हैं, ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब हम इसका करते हैं, वही एग्जाम्पल लेकर आता हूँ COD की, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या है, देर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन ड्रग सी एंड ड्रग डी, ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, देर इज डिफरेंस बिटवीन ड्रग सी एंड डी, ठीक हो गया। और ये एग्जांपल्स हमने प्रीवियस कवर की है इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है।
अब हमारे पास जो मैंने आपको पढ़ा दिया कि लाइक अगर वन के करीब हो तो अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस की तरफ रिजल्ट माइल है कि नॉट डिफरेंट, और अगर जीरो के करीब हो तो डिफरेंट। तो हमारे पास जो थ्रेशोल्ड है वो 0.05 है, ठीक। अब हम सपोज हमने अपनी अब हम मैं यहाँ पे मतलब वही सिंपल बात है कि अगर हमारे पास वन के करीब आया तो फेल टू रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर हमारे पास यहाँ पर ऑपोजिट साइड पे आया तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम अपने डेटा को स्टैटिस्टिकल टेस्ट से गुजारेंगे, ठीक है। तो जो कि मैंने आपको तमाम डिटेल बता दी है यहाँ पे, अब हमने सी ओ डी ड्रग को स्टैटिस्टिकल टेस्ट से गुजारेंगे, ठीक है। हमारे पास की वैल्यू क्या आ गई, 0.24, ठीक है। हमने टेस्ट गुजारा और हमारे पास पी वैल्यू आई के सिर्फ 24%, मतलब 24% रिजल्ट जो है वो साबित कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, बाकी जितने 76 है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को ट्रू मान रहे हैं। लेकिन हमारा थ्रेशोल्ड क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड है 0.05। ये हमने क्यों रखा है, ताकि हमारा जो क्योंकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक नई चीज होती है तो वो उस नई चीज को अपनी लोहा मनवाना होता है कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ, तो इसलिए उसके लिए थ्रेशोल्ड बहुत सहारक है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.24 आ गया, तो इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम ये कहेंगे कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट ड्रग सी इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रग डी, ठीक है। इसमें क्या मसला आ रहा है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि ड्रग सी इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रग डी, क्यों, क्योंकि हमारे मतलब हम तभी कॉन्फिडेंट होंगे जब हमारी पी वैल्यू 0.05 से कम आ जाए, ठीक है ना। 0.0 ये तो 0.24 आई है, तो इसमें हम इतना कॉन्फिडेंट नहीं है। हमें कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंट होने के लिए बहुत ज्यादा हमें उसकी उस रिजल्ट की तरफ मतलब जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का जो रिजल्ट है उसको अपना लाइक लोहा मनवाने के लिए बहुत हाई एक्यूरेसी पे जाना पड़ेगा, बहुत यानी 100 में से उसको 95 मरतबा या उससे ज्यादा अपना रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, और नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट अपना रिजल्ट दिखाना पड़ेगा, फिर ही हम उसे मानेंगे, ठीक है। अब सपोज मेरे पास हमने दोबारा सी ओ डी को गुजारा, ये आपको समझाने के लिए मुख्तलिफ केसेस में क्या रिजल्ट आता है। सपोज हमारे पास पी वैल्यू आई 0.03, ठीक है, 0.0 हमारे पास पी वैल्यू आई 0.03, ठीक है। अब मैंने जब इसको यहाँ पे चेक किया तो ये तो पी वैल्यू 0.05 से बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, 0.03 का मतलब क्या है, 0.03 का मतलब ये है कि हमारे पास 100 में से 97 मरतबा अल्टरनेट हाइपोथेसिस का रिजल्ट जो है वो आया है और 3 मरतबा से नल हाइपोथेसिस का रिजल्ट है। तो आप बताएं फिर किसको मानना चाहिए और किसको रिजेक्ट करना चाहिए। तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमने अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर लिया, सही हो गया। सो वी आर कॉन्फिडेंट दैट ड्रग सी इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रग डी, नाउ वी आर लाइक कॉन्फिडेंट, ओके। सो ये थी आज की वीडियो, और पी वैल्यू को समझना तो थोड़ा आसान है लेकिन इसको समझाना ज़्यादा मुश्किल है पी वैल्यू को। तो आई गेस आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को 2-3 बार देखें अगर नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।